फहाशी फैलाने के इल्ज़ाम में मकबूल तरीन टिकटॉकर गर्ल को 10 साल कैद सुना दी गई है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र में सोशल नेटवर्किंग एंड वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के जरिए फहाशी फैलाने, इंसानी स्मगलिंग और लड़कियों का इस्तेहसाल करने के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत टिकटॉकर गर्ल हुनैन हसाम को 10 साल कैद और $13,000 की सज़ा सुना दी गई। इस्तगासा ने हुनैन हसाम और उनके साथियों पर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमान ने टिकटॉक इंतज़ामिया से पैसे लेकर ऐसी वीडियोज़ शाया की हैं जिनसे बेहयाई और गैर अखलाकी मवाद फैला। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने इंसानी स्मगलिंग, लड़कियों के इस्तेहसाल और फहाशी फैलाने के इल्ज़ाम में हुनैन हसाम के अलावा उनके साथियों को भी 6 साल और मजमूनी तौर पर $13,000 की सज़ा सुनाई है।